तो दोस्तों पिछले शॉट में आप सबको याद होगा कि हम इस पिंजरे को जुम्मा बाजार से कैसे खरीद के लाए थे, पर अब बारी थी इसकी मरम्मत की, जिसमें हमने इसे साफ सुथरा कर इस पर कलर करने का सोचा। और इसके कलर को देखते हुए हम डार्क ब्लू कलर का पेंट ले आए, जिसे खोलने के चक्कर में हमारा अच्छा खासा टाइम लग गया था, पर कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम इसे खोलने में कामयाब हो ही गए। और फिर एक बैंडेज की मदद से हमने सबसे पहले इसकी जालियों पर कलर करना शुरू किया, और फिर इसके बॉर्डर के मोटे सरिये और छत समेत आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसके अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ अच्छे से कलर कर दिया। इसमें हमें 3 घंटे लग गए थे और हम बहुत थक भी चुके थे, और फिर शाम भी हो गई थी तो हम इसे छत पे सूखने के लिए छोड़ गए। और फिर दूसरे दिन की सुबह जब हमने इसे देखा तो ये पहले की कंडीशन से अब काफी अच्छा हो गया था। और फिर इसकी बनाई गई जगह की साफ सफाई करके हमने इसे उठाकर इसकी जगह पर वापस सेट कर दिया और अपने कंधारी और असील बच्चों को इसमें शिफ्ट कर दिया। कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल गर्मेश शॉप को सब्सक्राइब भी।